अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल अब बिलाल अकेडमी। और आज की ये वीडियो वेक्टर प्रोडक्ट की खसूसियात के बारे में है और उसकी एग्जांपल्स के बारे में है। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगी, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरा वेक्टर प्रोडक्ट पे लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि वेक्टर प्रोडक्ट है क्या चीज़, फिर ही आपको इसकी खसूसियात की समझ आएगी। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके पहले उसे देख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये सेम नहीं होते। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए के रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम होती है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसीलिए हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को सेम नहीं कर सकते, और इसीलिए जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। अगर हम किसी भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट लें तो उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर जनरेट होता है उसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होती है। वो कैसे? परपेंडिकुलर का मतलब यह है कि अगर एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, अगर इन दोनों को मैं आपस में मिलाऊं और वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाए तो उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि साइन थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1 के दरमियान, यानी कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर थीटा के जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दूं तो उसका जो जवाब आएगा वो -1 और 1 के दरमियान ही आएगा। वो ना तो 2 हो सकता है और ना ही 3 और ना ही 4, 5 ऐसा कुछ नहीं आएगा, बल्कि वो -1 से +1 के दरमियान में ही आंसर आएगा। साइन थीटा की एक वैल्यू मैं फर्स्ट कह लेता हूँ कि वो -1 है, एक मैं कह देता हूँ वो 0.5 है और एक कह देता हूँ 1 है। आप कोई भी ले सकते हो, मैंने फर्स्ट किया ताकि मैं आपको ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का मतलब समझा सकूँ कि कैसे परपेंडिकुलर के लिए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होती है। अब ए बी तीनों केसेस में मैं कहता हूं कि वो 5 के बराबर है। ए क्रॉस बी आपको पता है भी साइन थीटा के बराबर होता है और एन उसके साथ एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को शो करता है। अब मैं यहां पे ए बी की वैल्यू पुट कर देता हूं जो कि 5 है और साइन थीटा की वैल्यू -1 है, तो -1 पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया -5 n। इसी तरह अगर मैं ए बी की जगह 5 पुट करता हूं और साइन थीटा की जगह 0.5 पुट करता हूं तो फिर जो आंसर आता है वो होता है -2.5। और इसी तरह अगर मैं ए बी की जगह 5 पुट करूं और साइन थीटा की जगह 1 पुट करूं तो इसका आंसर आता है 5 n। तो यहां पे जो n है वो यूनिट वेक्टर, वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उससे मैग्नीट्यूड का कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड्स को कंसिडर करूं तो -5 जो है वो लेस देन होगा, वो कम होगा -2.5 से, और -2.5 कम होगा 5 से, यानी कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू जो आई है वो किस केस में आई है, वो साइन थीटा जब 1 के बराबर था। तो साइन थीटा 190 डिग्री के केस में होता है, जब एंगल जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब भी साइन थीटा 1 आता है। तो जब भी साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी तब ही आपको सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिलेगी। तो जब भी किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलती है, क्योंकि साइन 91 होता है और साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के दरमियान, और +1 मैक्सिमम आंसर आता है। तो इसीलिए जो ए क्रॉस बी का आंसर आएगा वो भी मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि अगर मैं पॉइंट्स में कंसिडर करता हूँ तो उसमें भी वैल्यू कम है, -2.5 आई, और माइनस में अगर कुछ मैं कंसिडर कर लेता हूँ साइन थीटा की वैल्यू को तो वो भी कम होगी। अब आपको पता है ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के, और साथ एक यूनिट वेक्टर भी आता है। तो अगर मैं थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर देता हूँ तो साइन थीटा होता है 1, 1 ए बी से मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी रह जाएगा, तो कुछ इस तरह से शो होगा। इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, जैसा कि आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर हैं जो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर डायरेक्शन शो करी हो किसी भी वेक्टर की तो यूनिट वेक्टर आई को इस्तेमाल करते हैं, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे को और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर के को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं के क्रॉस आई करता हूं तो वो बराबर होता है के आई साइन थीटा और साथ में एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे जो के है वो
यूनिट वेक्टर है, वाई भी यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है 1, तो इसलिए 1 1 पुट कर दिया है इनके मैग्नीट्यूड की जगह। और जो एंगल है वो 90 है के और आई के दरमियान, ये यूनिट वेक्टर आई है और ये यूनिट वेक्टर के है, तो इन दोनों के दरमियान आप देख सकते हो कि जो एंगल है वो 90 डिग्री का, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तीनों के तीनों, तो 90 पुट किया और साथ में यूनिट वेक्टर जे आएगा। तो जे यूनिट वेक्टर कैसे आया, तो उसके लिए आपको राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको आपकी जो फिंगर्स हैं उसको के से आई की तरफ कर्ल कीजिए, तो जो इलेक्ट्रिक थंब होगा वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का बताएगा। तो के से आई की तरफ जब अपनी उंगलियों को आप कर्ल करोगे तो आपका थंब ऊपर को होगा जो कि शो करेगा डायरेक्शन यूनिट वेक्टर जे की, तो इसीलिए यहाँ पे जे को इस्तेमाल किया गया है। तो साइन 91 होता है 1, और ये 1 से मल्टीप्लाई होके ये सारी टर्म 1 आएगी, और 1 जब जे से मल्टीप्लाई आएगा तो इसका जवाब जे आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर आई क्रॉस जे करता हूँ तो उसके केस में आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1, और थीटा की जगह मैं 90 पुट करता हूँ तो 1 इंटू 1 1, और 1 को जब साइन 90 जिसका जवाब आता है 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सारी टर्म 1 बन जाएगी, और उसका के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब आ जाएगा के। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर के कैसे आया उसका भी पता हमें राइट हैंड रूल से ही लगता है। आप आई क्रॉस जे कर रहे हो ना, तो आई से जे की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करो आई से जे की तरफ, तो जो इलेक्ट्रिक थंब है वो आपको बता देगा कि यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, तो इस केस में जो यूनिट वेक्टर होगा वो के होगा। और इसी तरह अगर जे क्रॉस के कर रहे हो तो जे के साइन थीटा और यूनिट वेक्टर को ही होगा, तो जे की मैग्नीट्यूड भी 1 है, के की भी 1 है, और साइन 90 जो कि 1 होता है तो ये सारा 1 हो जाएगा, और जब आई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर। अब ये आई यूनिट वेक्टर कैसे आया इसका भी पता राइट हैंड रूल से लगता है। अब जे से के की तरफ अपनी उंगलियों को कर्व कीजिए तो जो थंब है वो आपको डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर बता देगा, तो इस तरह हमें आई यूनिट वेक्टर का पता चल गया। तो इसको याद करने के लिए सिंपली एक रूल ऑफ थंब होता है, तो आप एक सर्कल कंसिडर कीजिए इस तरह का, अगर मैं आई और जे को मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके नतीजे में के यूनिट वेक्टर बनता है, और अगर मैं जे और के को मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसके नतीजे में आई यूनिट वेक्टर बनेगा, और अगर मैं के और आई को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके नतीजे में जे यूनिट वेक्टर बनेगा। अब तीसरी करैक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इन नन वेक्टर। तो अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो उसका जो आंसर रहता है वो एक नल वेक्टर होता है। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है कि जिसकी जीरो मैग्नीट्यूड होती है और उसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। आर्बिट्रेरी से मुराद है कि कोई खास डायरेक्शन नहीं होती और मैग्नीट्यूड जीरो। अब यहाँ पे पैरेलल का मतलब यह है कि जो एंगल है वो जीरो डिग्री का है। तो पैरेलल्स को समझने के लिए आप दो वेक्टर्स को कंसिडर कीजिए, ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास, तो इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल होने के लिए जरूरी है कि अगर मैं इन दोनों को लाइनों को अगर एक्सटेंड करूं तो ये कभी भी आपस में मिलनी नहीं चाहिए। जैसे कि रेल की दो पटरियां होती हैं वो कभी भी आपस में मिलती नहीं है, वो जुदा जुदा रहती हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि इनके दरमियान, इन लाइनों के दरमियान का जो फासला है वो हर जगह पे सेम रहना चाहिए, वो यहाँ पे भी सेम हो, वो यहाँ पे भी सेम हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल कहते हैं, तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और वो देख रहे हैं ये दोनों वेक्टर्स को मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ तो ये आपस में मिलेंगे नहीं, लेकिन इनका जो फासला है वो सेम नहीं है तो इसलिए ये पैरेलल नहीं कहलाएंगे। आपको पता है कि ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा, और साथ में एक यूनिट वेक्टर जिसको डायरेक्शन शो करने के इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं थीटा की जगह जीरो पुट कर दूं तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो ये सारी टर्म जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो आएगी, तो जिसको हम नल वेक्टर कह देते हैं। तो ऐसे वेक्टर जो एंटी पैरेलल होते हैं यानी कि जिनका एंगल 180 डिग्री का होता है उनकी बात कर लेते हैं। तो ऐसे पैरेलल वेक्टर्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों, एक दूसरे से मुहालिफ सीमत में मूव कर रहे हो, जैसे कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है और लेफ्ट में जा रहा है, तो इन दोनों में डायरेक्शन का फर्क है, तो एंगल तो इनमें 180 डिग्री का है, तो जस्ट आपने यहाँ पे थीटा की जगह 180 पुट की दी है तो साइन 180 जीरो के बराबर होता है, तो ये सारे टर्म जीरो से मल्टीप्लाई होकर एक नल वेक्टर को जनरेट कर देगी। तो अब यूनिट वेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर्स के केस में जैसा कि आपको पता है कि आई क्रॉस आई करेंगे तो वह बराबर होगा आई आई साइन थीटा, और साथ में एक यूनिट वेक्टर आएगा। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है इसलिए 1 1 लिखा हुआ है, और साइन थीटा, थीटा क्योंकि आई और आई एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसलिए थीटा जो है वो जीरो होगा, तो साइन जीरो जीरो, तो ये सारे टर्म जीरो, तो ये नल वेक्टर बन जाएगा। और इसी तरह जो जे क्रॉस जे है
उसमें भी एंगल जीरो का होगा। अगर मैं एंगल जीरो पुट करता हूँ तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी और ये एक नल वेक्टर बन जाएगा। और इसी तरह के क्रॉस केस में भी नल वेक्टर जनरेट होगा क्योंकि एंगल जीरो का है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं और उनके आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं तो फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है। एक आपके पास वेक्टर ए है जिसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये हैं और एक वेक्टर बी है जिसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हैं। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो ये बराबर होगा ए एक्स आई प्लस बी ए वाई जे ए जेड के। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बी एक्स आई के साथ, बी वाई जे के साथ और बी जेड के साथ। पहले ए एक्स को इस सारे टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो ए एक्स बी एक्स इंटू आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई इंटू आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड इंटू आई क्रॉस के। अब ए वाई को इस सारे टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो ए वाई बी एक्स इंटू जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई इंटू जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड इंटू जे क्रॉस के। अब ए जेड को इस सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, ए जेड बी एक्स इंटू के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई इंटू के क्रॉस आई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड इंटू के क्रॉस के। तो आई क्रॉस आई जीरो के बराबर होगा, तो आई क्रॉस जे जो कि यहाँ पे दिखाया गया है वो के बराबर है, तो आई क्रॉस के वो बराबर है माइनस जे के और जे क्रॉस आई वो बराबर है माइनस के। आई क्रॉस जे जीरो और जे क्रॉस के वो बराबर है आई के और के क्रॉस आई वो बराबर है जे के और के क्रॉस जे वो बराबर है माइनस आई के और के क्रॉस के वो जीरो के बराबर हो गया। तो अब जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इन टर्म्स को आपस में। ए एक्स जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो, ए एक्स और बी एक्स जब के से मल्टीप्लाई कर दो उसको साथ, ए एक्स बी वाई इंटू के यूनिट वेक्टर माइनस ए एक्स बी जेड इंटू जे यूनिट वेक्टर माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई बी जेड इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड बी एक्स इंटू जे यूनिट वेक्टर माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई यूनिट वेक्टर। अब जिनके साथ आई है उनको अलहदा कीजिए, जिनके साथ जे है उनको अलहदा कीजिए और जिनके साथ के है उनको अलहदा कर लीजिए। तो ए क्रॉस बी बराबर होगा ए वाई बी जेड इंटू आई यूनिट वेक्टर माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड बी एक्स इंटू जे यूनिट वेक्टर माइनस इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी वाई इंटू के यूनिट वेक्टर माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे आई को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे जे को और यहाँ पे के को, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के यूनिट वेक्टर। तो इस तरह हम ए क्रॉस बी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें याद रखना मुश्किल है तो उसके लिए आप डिटरमिनेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास ए इसके बराबर है, बी इसके बराबर है, तो ए क्रॉस बी को डिटरमिनेंट की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे कि पहले आप आई यूनिट वेक्टर लिखीजिए, फिर जे और फिर के, ठीक है। और ए क्रॉस बी अगर आप कर रहे हो तो पहले ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखिए, ए एक्स ए वाई और ए जेड और बी एक्स बी वाई और बी जेड। तो इस डिटरमिनेंट को ओपन करके आप सेम वही रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हो जो कि अभी अभी हमने फाइंड किया था।
और अब हम पांचवी करैक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ए क्रॉस पी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड विद ए एंड बी एज टू एडजेसेंट साइड्स। तो पहले पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी निशानी ये है, एक तो इसकी चार साइड्स होती हैं, एक दो तीन चार, और दूसरी ये कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, यानी कि वन और थ्री इसकी ऑपोजिट साइड है, मुतजाद साइड्स, वो पैरेलल होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और इसी तरह टू और फोर जो कि ऑपोजिट लाइन थी वो भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ऐसी फिगर जिसकी चार साइड्स हों और उसकी ऑपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल हों, तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। आपके पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो उनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊँ तो उसके नतीजे में एक नया वेक्टर जनरेट होगा, जिसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसकी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा के बराबर होती है। अब यहाँ पे उसने बताया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये जो मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी की, वो बराबर होती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम के एरिया के। तो ये जो सी की मैग्नीट्यूड है वो बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, और विद ए एंड बी एज टू एडजेसेंट साइड्स, जो वेक्टर बी है और वेक्टर ए है वो इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स होंगी, साथ साथ वाली साइड्स, जैसा कि ये है, देख सकते हैं ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, और ये जो मैग्नीट्यूड है जो इन दोनों के वेक्टर ए और वेक्टर बी के मल्टीप्लाई होने से रिजल्टेंट वेक्टर बनता है, उसकी मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होगी। अब क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली एग्जांपल है टॉर्क की। तो टॉर्क से मुराद यह है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को, ऐसी फोर्स के जिस टर्निंग इफेक्ट पैदा करे, मुड़ने वाला इफेक्ट पैदा करे, उसको हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो जब भी आप चाबी से ताले को खोलते हो तो तब उस पर आप टर्निंग इफेक्ट वाली फोर्स लगा रहे होते हो। तो जो टॉर्क है वो बराबर होता है आर क्रॉस एफ के। आर यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर है और जो एफ है वो फोर्स है जो हम लगाते हैं, जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है। और दूसरी इसकी एग्जांपल है फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट यानी कि मकनातीस की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल जाता है तो उस पर एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स है एफ। तो उस फोर्स की वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। यहाँ पे जो बी है वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है कि जिस वेलोसिटी से वो मूव करेगा सर्कल में, और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो जब भी मैं वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करता हूँ वेक्टर बी के साथ जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके नतीजे में एक वेक्टर क्वांटिटी जनरेट होती है जो कि फोर्स एफ होगी। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे आज के इस लेक्चर से आपको वेक्टर प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स और इसकी एग्जाम्पल्स के बारे में मुकम्मल आइडिया हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आई है पसंद, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। अल्लाह हाफिज़।